हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो इस GTA 5 के सिटी में मैं हूँ माइकल, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं इस सिटी में कैसे आया हूँ, मैं अब कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और आगे क्या स्टोरी है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिलहाल तो हम जाने वाले हैं, जो हमने एक कार बाय की हुई है वो अभी प्लेन से आ रही है, तो वो लेने के लिए अभी हम जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हमारा जो प्राइवेट एयरबेस है, जो हैंगर है, वहाँ पे हम चलते हैं। वहाँ पे हमें वो प्लेन मिलेगा और उसमें आई है हमारी न्यू चमचमाती हुई कार। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्राइवेट एयरबेस है, तो हमें अभी वहाँ जाना है। तो चलिए, तो मैं अभी आपको जाते जाते हुए मेरी एक बैक स्टोरी सुनाता हूँ, मतलब मैं कौन हूँ, यहाँ पे कैसे आया हूँ, पर फिलहाल मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ माइकल। तो मैं एक गांव है वहाँ से मैं आया हूँ। तो मतलब मैं, मेरे दो दोस्त और एक फ्रैंकलिन और ट्राइवर, ये हम दो तीनों मिलके इस शहर में आए हैं। तो हमारी स्टोरी यह है कि हमने एक गांव, जो हमारा गांव है वहाँ पे हमने एक बैंक में डाका डाला था। तो दरअसल मैं आपको समझ में आया हूँ कि मैं अभी यहाँ पे मतलब डॉन हूँ। तो मैं हम तीनों वहाँ से डाका डालने के बाद भाग के इस शहर में आए थे। और इस शहर में आने के बाद हमने छोटी मोटी चोरियाँ की, छोटे मोटे क्राइम्स किए, और ऐसे करते करते यहाँ के जो मतलब पहले हमारे यहाँ के पहले जो डॉन लोग थे, उनको मार के एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चढ़ के हम अभी यहाँ के मतलब बड़े, सबसे बड़े माफिया हैं। तो सबसे मैं, फ्रैंकलिन और ट्राइवर, हम तीनों मिल के इस शहर को चलाते हैं। और अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई बचा नहीं है जो हमें टक्कर दे सके या हमसे लड़ सके। तो फिलहाल तो मैं पूरे सिटी में के हम ही बादशाह। फिर भी कोई ना कोई तो आता रहता ही है बीच बीच में हमारे, मतलब उनको अपोज करने के लिए, तो हम उसको ख़त्म कर देते। अगर उस वो हमसे हाथ मिला लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसे ख़त्म कर देते। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। तो इस शहर का सबसे मतलब अमीर आदमी हूँ। यहाँ पे मेरे बड़े बड़े बिजनेस है, जो मतलब बड़े बड़े बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो इसी वजह से अभी ये मेरा प्राइवेट मतलब हैंगर है, और ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टीज़ है। मैं आपको जैसे जैसे आगे मतलब स्टोरी बढ़ती है, वैसे वैसे मैं आपको सब मतलब एक एक एक्सप्लोर करता जाऊँगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली माइकल चीज़ क्या है। ओके, साइड हो साइड हो, माइकल आ रहा है, माइकल आ रहा है, अबे चल बाजू। तो हम यहाँ पे अभी एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं, जो हमारा प्राइवेट हैंगर है। तो अभी यहाँ पे कहाँ पे है वो एरोप्लेन, ओके वो वहाँ पे वो है। वो थोड़ा ऐसे थोड़ा दूर में लगाना पड़ता है ताकि किसी की नज़र ना जाए, क्योंकि ये सब हमारा ब्लैक वाला धंधे का पैसा है। तो अभी सस्पेंस खुलने वाला है कि कौन सी कार है हमारे पास, मतलब कौन सी कार वो आ गई है जो हमने मंगाई है।
ओके, वो देखो अंदर कार है। अभी वो वहां से बाहर निकलेंगे। तो ये रही कार, ये है मर्सिडीज एस क्लास मेबैक, वेरी एक्सपेंसिव कार। अभी हमको उसे मतलब गैरेज में लेके जाके उसके थोड़ा रिपेंट या थोड़ा अपग्रेड करवाना है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा अपग्रेड करने के लिए गैरेज में। पहले आप देख लीजिए कि कार कैसी है। तो चलिए हम चलते हैं लॉस सेंटोस कस्टम में। तो ये हमने कार दरअसल इसलिए खरीदे है कि मतलब हमारे पास पहले से बहुत एक्सपेंसिव कार है ही, और ये जो नया मॉडल आया एस क्लास का मेबैक का, वो हमने भी खरीदा है ताकि हम कहीं भी मतलब कहीं पार्टी में जाना हो, कहाँ मतलब ऐसी कोई मतलब बड़ी जगह है जहाँ पे हमें थोड़ा शो ऑफ करना हो, तो यहाँ पे ये कार अभी हम लेके जाएंगे। ये पुरानी कार तो बहुत है हमारे पास, वो हमने बहुत चलाई भी है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी कार है, मेरा कार का कलेक्शन कौन सा है। वो भी मैं आपको धीरे धीरे इस गेम में जैसी जैसी स्टोरी हमारी आगे बढ़ती जाती है वैसे आपको सब एक हर चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो स्टोरी होने वाली है। तो आप कंटिन्यू जैसे जैसे इस स्टोरी के पार्ट आते जाते रहते तो आप देख लेना उसे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग आगे आगे कुछ उसमें होने वाला है उसे। और इसे अभी धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है और थोड़ा एहतियात बरत के चलाना पड़ता है क्योंकि तो यह कार लगनी नहीं चाहिए, कार बहुत एक्सपेंसिव कार है। आराम से आराम से आराम से। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ कि कैसा है इस गाड़ी का इंटीरियर। तो ये देख लीजिए सामने पूरा डिजिटल क्लस्टर है, और यहाँ पे देखो मतलब सामने का जो शीशा है मतलब ग्लास है उस पर भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं, मतलब स्पीडोमीटर वगैरह है। तो ऐसी एक नई टेक्नोलॉजी उसमें दी गई है गाड़ी में। ऑब्वियसली इसके लिए हमने बहुत मतलब पैसे भी गिने हुए हैं। से अंदर से चलाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि आजू बाजू का ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो गलती से कहीं लग गई गाड़ी तो वाट लग जाएगी, इसलिए हम ऐसे ही चला ले रहे हैं। आराम से, ओहो आराम से आराम से। भाई 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 भाई, भाई ये कार चलाना बहुत मुश्किल है, जैसे डर लगता है कहीं लग गई तो। नई गाड़ी अभी ली है, पहले उसको अपग्रेड भी नहीं करवाया और उसके पहले ही ठोक दिया तो कैसे लगेगा। तो हम यहाँ पे अभी लॉस सैंटोस कस्टम में आ चुके हैं। अभी यहाँ पे हम पूरी तरह से कार अपग्रेड करवाने वाले हैं, पूरा उसका कलर, उसके रिम्स वगैरह बहुत कुछ उसमें अपग्रेड करने वाले हैं। अभी आप देखते जाइए। What's wrong with her now? कि हमने नई कार लगाई है यहाँ पे,
सीधा आपको दिखा दें, ये देखो हमने उसको पूरा कलर चेंज कर दिया। अभी इसका लुक कैसे लग रहा है देखो, ये थोड़ी रिच लग रही है पूरी तरह से। अभी कहीं भी मैं ये पार्टी वार्टी में लेके जाऊँ तो सब लोगों की नज़र बस इसी कार में लगे। ये देखो पूरे उसके शीशे भी हमने पूरे टिंट करवाए, मतलब VIP, पूरा VIP, किसी को अंदर का दिखेगा नहीं कि इसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इस तरह से ये गाड़ी देखो कैसी लग रही है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये गाड़ी आपको पसंद आई या नहीं आई, या इस पर और कोई कलर अच्छा लगता तो आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये देखिए अभी बाहर निकलने के बाद धूप में एक्चुअली कल मतलब समझ में आई। उसके रिम भी देखो आप हमने चेंज करवाए, वो भी उस पर कैसे लग रहे ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए अभी हमें उसे लेके जाना है घर में, घर वालों को दिखाने के लिए हमें उसे पहले हम उसे घर लेके जाते हैं। और हम घर का मैप लगाते हैं पहले। ये देखो ये यहाँ पे हमारा घर है। गाड़ी ओहो आराम से आराम से आराम से आराम से, तो घर वालों को भी दिखाई नहीं है। कि इसमें लोग कैसे भी मुड़ जाते हैं, मतलब इंडिकेटर नहीं कुछ नहीं, ऐसा सीधा आया और सीधा घुस गया। तो अभी हम घर आ चुके हैं। ओके लग गए क्या, चलो छोड़ दो बाद में हम उसे रिपेयर करवा लेंगे। जो हुआ सो हुआ, क्या हमारे पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं, हम दूसरी गाड़ी भी खरीद सकते। तो चलो हम घर पे आ गए, घर वालों को भी दिखाई देंगे कार। पहले आप देख लीजिए कैसे दिख रही है पूरी कार है। तो अभी हमें क्या कर रहा है, घर वालों को दिखाना है। घर वालों को दिखाने के बाद उसे जो हमारा एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, गैरेज है जो जहाँ पे हमारी गाड़ी हम सेव करके रखते हैं ताकि जब कभी लगती है तब वहाँ से हम लेके जाते हैं। तो उस गैरेज में सेव करके, तो क्योंकि घर में ज़्यादा गाड़ियाँ मतलब रख नहीं सकते और किसी की भी नज़र में आ सकती है, तो हमारा एक सेफ गैरेज है जो थोड़ा छुपा हुआ है सबके सामने, सब लोगों की नज़र से वो छुपा हुआ है। तो वहाँ पे हम इस गाड़ी को लेके जाते हैं, रखते हैं और फिर से वापस में घर। चलो ये देखो यहाँ पे हमारा एक गैरेज है छुपा हुआ है, मतलब जो सामने से नहीं दिखता है इस बिल्डिंग के पीछे है। यहाँ पे हम मेरी गाड़ियाँ सेव करके रखता हूँ या छुपा के रखता हूँ ताकि जब कभी ज़रूरत लगे तभी उसको निकालो। मतलब ऐसे घर के सामने सब रखना अच्छा नहीं है, लोगों की नज़र भी लग जाती है और लोगों के नज़र में आता है और हमारा धंधा भी ऐसा है। वैसे तो हम शहर में मशहूर है ही। चलो अभी हम घर जाते हैं। ओ भाई ये देखो ये कैसे मुड़ा अभी साले, ऐसे कौन मुड़ता है। ये देखो ये भी वैसे मुड़ा। तो अभी हम घर पे आ गए। ये देखो ऐसी गाड़ियाँ हमारे घर के बाहर तो खड़ी रहती है छोटी मोटी। ये देखो और ये हमारे घर में गाड़ी ऑलरेडी है फेरारी। तो अगर कभी लगती तो वो गाड़ी भी हम यहाँ पे आके रख सकते हैं।
अरे बताइए रास, दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कि हमने अभी ये पहला एपिसोड डाला है, तो आपको ये पहला एपिसोड कैसे लगा? अभी हम यहाँ पे आके थोड़ा जूस पी लेते हैं, बहुत थके, बहुत हेवी काम कर लिया आज हमने, तो आपके लिए बस इतना ही। अभी हम थोड़ा जाके आराम कर लेते हैं और आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलिए, ज़रूर देखिए। तो आपको कैसी लगी ये सब स्टोरी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कोई सुझाव हो, आपको कोई आइडिया हो, वो भी मुझे बताइए। और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।